हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए, डेली की तरह जो हमारा सेशन होता है एवरेज का, वही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल भी हमने इसी के बेस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, आज भी उन्हें कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें। आपको जो जीके का सेशन है वो भी कंटिन्यूसली बेसिस पे मिलता है विद पीडीएफ, आप उसे भी देखा करें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फ्रेंड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं और आगे आगे बढ़ते हैं। स्मॉल सेशन रहता है हमारा, जाने की 10 मिनट के अंदर अंदर कवर हो जाता है। आपने पूरा देखना चाहिए, आपके सारे क्वेश्चन जो भी कॉम्पिटिटिव रहते हैं, एसएससी, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जेकेएसएसबी हो, चाहे आर्मी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कंप्लीट इन्हें देखा करें प्लीज। तो चलिए, एवरेज की बात कर रहा है, 1 to 135 ऑड नंबर की बता रही है। मैंने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे किए हुए हैं। अब आप बात करोगे ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं। ऑड नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। अब आपने जब भी ऑड नंबर की बात की गई हो, इसका सिंपल फार्मूला रहता है। एवरेज का क्या फार्मूला रहता है, जो आपका लास्ट ऑड नंबर हो, ठीक है, लास्ट ऑड में क्या करना है, 1 से ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। यानी कि अगर आपका लास्ट ऑड कौन है, 135, तो 135 में आप 1 ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। इधर क्या बन जाएगा, 136, 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 2 को आप किसके साथ करोगे, 6 के साथ, 12 आ जाएगा और 1 कैरी में 2 को 8 के साथ 16, यानी कि इसकी एवरेज कितनी आ जाएगी, 68 आपकी जो एवरेज है वो इसकी आ जाएगी। तो इसे जल्दी से कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बात कर दूं, सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिए वीडियो को। तो चलिए, एवरेज की बात करी जा रही है। एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 40 एंड दैट ऑफ अदर 30 इज 40, ठीक है। एवरेज ऑफ अदर 30 नंबर इज 40 आएगा, ठीक है। एवरेज ऑफ अदर नंबर इज 40 कर लीजिए जहां पे। तो आपने बताना है एवरेज ऑफ ऑल द नंबर, आपने बताना है पहले 30 की 40 है, फिर आपके पास इधर 30 नंबर की कितनी है, 40 है, ठीक है। तो चलिए इसे करेक्ट कर ले, चलिए करेक्ट हो गया। एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 40, पहले 30 नंबर की एवरेज 40 है, उसके बाद 40 नंबर की कितनी एवरेज है, 30 एवरेज है। आपने टोटल एवरेज बतानी है सारे नंबर्स की, ठीक है। तो सबसे पहले इधर देखिए कितने नंबर्स है, 30 नंबर्स और जहां पे 40 नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे आपके पास, टोटल नंबर हो गए 70 नंबर हो गए, ठीक है। अब आपने एवरेज निकालनी है, तो एवरेज का फार्मूला क्या हो जाता है, सम बाय टोटल नंबर, सम बाय टोटल नंबर, एवरेज का जो फार्मूला हो जाता है। लेकिन जहां पे 30 नंबर की एवरेज 40 दे रहा है और 40 नंबर की 30 दे रहा है, सबसे पहले हमने इन दोनों नंबर्स का सम निकालना पड़ेगा। पहले नंबर का आप देखिए एवरेज का फार्मूला, पहले नंबर के लिए एवरेज का फार्मूला सम बाय टोटल नंबर हो जाएगा, ठीक है। जहां पे आपको क्या दे रहा है, 30 नंबर है, एवरेज कितनी दे रहा है, एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 40, एवरेज 40 है, तो सम कितना आ जाएगा, नीचे इसके 30 आएगा। पहले नंबर का सम कितना आ रहा है आपके पास, 30 इंटू 40, पहले नंबर का सम लिख लीजिए 30 इंटू 40। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट 40 नंबर है तो उनका एवरेज कितना दे रहा है आपको, 30 दे रहा है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 40 इंटू 30 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर हुए, इधर 30 है इधर 40 है, टोटल नंबर हो जाएंगे आपके पास 70। 30 को 40 से करोगे कितना आएगा, 1200 हो जाएगा, प्लस आप 40 को 3 से करोगे 1200 हो जाएगा, डिवीजन में कितना रहेगा, 70 इसका रहेगा, ठीक है। 1200 प्लस 1200 कितना हो जाएगा, इधर देखिए 1200 प्लस 1200 हो जाएगा 2400, इसकी डिवीजन में कितना आएगा, 70, 0 से 0 कट। अब 7 से आप इसे डिवाइड करोगे, अब 7 से ये तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, लेकिन करते हैं, 7 को कितना आएगा, 3 के साथ कितना आया, 21, कितना बच गया, 3, और 7 को 4 के साथ आया 28, कितना बच गया, 2, यानी कि 7 is to 34 और इनटू में 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। कैसे करना है, सबसे पहले हमने सम निकालना है, ठीक है। इधर देखिए आप सम का फार्मूला क्या हो जाता है, सम होता है आपके पास जो भी आपके पास एवरेज दी हो और मल्टीप्लाई में नंबर दिया हो, क्योंकि हमें सम चाहिए था इस फार्मूले में, हमें जहां पे 30 नंबर और 40 एवरेज दी जा रही थी, तो सम कितना इसका बन जाएगा, जितने नंबर थे मल्टीप्लाई उसकी एवरेज से, मल्टीप्लाई 30 की 40 से, सेकंड में 40 नंबर है एवरेज 30 दे रहा है, 40 की 30 से करते तो सेकंड नंबर का भी सम मिल गया, दोनों नंबर का सम मिला, उसे ऐड किया और टोटल नंबर इधर 30 थे 40 थे 70 इसका हो गया, 1200 और 1200 2400, 0 से 0 कट, 7 से इसे डिवाइड किया, 7 से 34 is to 2/7 इसका जो आंसर है वो आपका सॉल्व होके इसका बन गया। तो इसे जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए।
तो नेक्स्ट आ गया एवरेज ऑफ नाइन मल्टीपल्स ऑफ 27। फर्स्ट नाइन मल्टीपल्स आपने 27 बताने हैं। इसका एवरेज का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ था, जो नंबर हो ठीक है, जो नंबर हो उसमें कितने टाइम्स उसको बोला हुआ है ठीक है, तो कितने टाइम्स बोला हुआ है वो नंबर डिवीजन में वन और नंबर डिवीजन में टू आ जाएगा। नंबर क्या है हमारे पास 27, और कितने एवरेज नाइन मल्टीपल्स बोले हुए हैं, यानी कि 9 + 1 हो जाएगा, डिवीजन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है। 27 आया, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, डिवीजन में 2, 2 से इसे कट 5 आ जाएगा, और 27 से इसे करोगे 7 को 5 से करोगे 35, 3 कैरी में 5 को 2 से 10, और 3 कितना आ जाएगा 13, यानी कि 135 इसकी जो एवरेज है वो आ गई। आपसे अगर बात की गई हो एवरेज ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 16 मल्टीप्लाई ऑफ 16 मल्टीपल्स ऑफ 8, जितने भी मल्टीपल्स आपको पूछे हो किसी भी नंबर के, तो आपने क्या करना है उसकी एवरेज निकालने के लिए जो भी नंबर दिया हो उस नंबर को लिखना है, उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, जो जितने मर्जी टाइम्स वो बोला हो, कितने मल्टीपल्स बोलने हो उसमें बाद में ऐड कर लेना, और 2 से डिवाइड करोगे आपके पास उसका जो आंसर है वो आ जाएगा, तो इसे कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एवरेज ऑफ 10 नंबर की 7 है, 10 नंबर की एवरेज 7 है, और जो भी एवरेज है उसे 12 से मल्टीप्लाई करना है, न्यू नंबर की एवरेज क्या निकल के आएगी, 84, 85, 7 या 9, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, होमवर्क में करके बताना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना, इस पर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही।